सो वर्ल्ड कप का डे टू ख़त्म हो चुका है और कल काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस हुए, जैसे इंग्लैंड ईरान, नीदरलैंड सेनेगल एंड वेल्स और यूएसए, काफ़ी बेहतरीन मैचेस थे। बेस्ट मैच तो फर्स्ट मैच ही था, इंग्लैंड और ईरान। इंग्लैंड से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, सोचा नहीं था कि 6-2 से जीतेगी ईरान से। वैसे ईरान ठीक ही खेल रही थी, पर कल इंग्लैंड के प्लेयर्स नहीं पता बहुत ही बेहतरीन मूड में थे, मतलब बहुत ही बेहतरीन फ्लो में थे। कल बुकायो साका, मेसन माउंट काफ़ी अच्छा फॉर्म दिखा रहे थे। इवन उनके डिक्लिन राइस जो उनके मिडफील्डर है, मैं उनसे इतनी उम्मीद नहीं किया था कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो भी काफ़ी अच्छा खेले। जैक ग्रिलिश भी लास्ट में बहुत अच्छा खेले आके, और काफ़ी अच्छा था इंग्लैंड का परफॉर्मेंस कल। पर मुझे बुकायो साका ने काफ़ी इम्प्रेस किया, और जूड बेलिंगम तो मैं जान रहा था कि देखना है उनको कि कैसा खेलेंगे करके, तो जूड बेलिंगम का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा था, उसने भी गोल किया कल। ईरान के तहरीमी भी कल 2 गोल स्कोर किया, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा ही था क्योंकि वही ईरान से बस परफॉर्म करते, बाकी तो ठीक है। तो सेनेगल और नेदरलैंड्स वाले मैच की बात करते हैं। एंड टू एंड परफॉर्मेंस देखने मिला कल का, मैच काफ़ी बेहतरीन था। इधर से अटैक हो रहा है, नेदरलैंड्स अटैक कर रही है, इधर सेनेगल अटैक कर रही है। सेनेगल के पास बस फिनिशिंग की कमी थी, बाकी काफ़ी अच्छा गेम था दोनों तरफ से। एंड टू एंड परफॉर्मेंस देखने को मिला और ये मैच बोर नहीं लगा बिल्कुल भी, कि मैच इधर से चल रहा है उधर से चल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था मैच देखने में। दोनों की डिफेंस काफ़ी टाइट थी, और नेदरलैंड्स कल 5 डिफेंस बैकलाइन में 5 डिफेंस लेके खेल रही थी। 3 उनके मेन सेंटर बैक वैन डाइक, डिलीट और नेथन एके, तीनों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। कोडी गैक्पो ने काफ़ी इम्प्रेस किया, उन एक तो उन्होंने गोल किया वो बात तो अलग है, पर कल का गेम काफ़ी अच्छा था उनका। और फ्रेंकी डी योंग भाई साहब, मिडफील्ड में बोलो, अटैकिंग में बोलो, डिफेंसिव बोलो, सारी ड्यूटी उन्होंने निभाई अच्छी तरीके से। हाँ भले एक शॉट मिस किया था जिस वजह फर्स्ट हाफ में, जिस वजह से मुझे लगा कि ठीक है वो उसको और बेटर करा जा सकता था, पर कल का गेम उनका बहुत अच्छा था। बातें वेल्स वर्सेस यूएसए वाले मैच में से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन था नहीं, एक अच्छा फुटबॉल देखने को मिला दोनों टीम से, और 1-1 स्कोर रहा। वेल्स और यूएसए ने ड्रॉ खेला कल। गारेथ बेल का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, उन्होंने एक गोल भी किया भले वो पेनल्टी से क्यों ना हो, और यूएसए के भी प्लेयर्स काफ़ी अच्छे थे। बस कल के मैच का प्रीव्यू यही है कि तीनों मैच बहुत अच्छे थे, बहुत एंटरटेनिंग फुटबॉल चल रहा है और अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है तो ऐसा लग रहा है एक फेस्टिवल चल रहा है हमारा, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। एज ए फुटबॉल फैन ये लग रहा है कि ऐसा टूर्नामेंट ये चल रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, पर काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो। टीम और कौन से प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हो आज के मैच में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो पे।